हेलो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीचर्स वैकेंसी निकली है और यह भर्ती प्रक्रिया सीबीटी मोड में ली जाएगी और एग्ज़ाम की प्रक्रिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के सीट किस स्टेट में कितने हैं, साथ ही साथ कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने सीट हैं, यह जानकारी देने जा रहा हूं, ताकि आप लोग अपने हिसाब से फॉर्म फिल कर सकें। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टोटल टीचर्स वैकेंसी 3479 है, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी टीचर्स की वैकेंसी है, जिसमें कुल 17 राज्यों में प्रिंसिपल के 175 पोस्ट हैं, वाइस प्रिंसिपल के 116 पोस्ट हैं, पीजीटी के 1244 सीट्स हैं एंड टीजीटी के 1944 सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट 3479। अब मैं आप लोगों को स्टेट वाइज पोस्ट और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दिखाने जा रहा हूं, जिसे आप देखकर अपनी सुविधा अनुसार जहां चाहे वहां फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यह एग्ज़ाम ऑल इंडिया बेसिस पर है और कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश, जिसमें प्रिंसिपल के 14 सीट्स हैं एंड वाइस प्रिंसिपल के 6 सीट हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश के 20 हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, पीएच, इन सब के कैटेगरी वाइज सीट्स का बंटवारा किया गया है। हिंदी के 16, मैथ्स के 21, साइंस के 20 एंड सोशल स्टडीज़ के 20। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल के 37 एंड वाइस प्रिंसिपल के 19 एंड पोस्ट ग्रेजुएट में इंग्लिश के, हिंदी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के। वहीं पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रिंसिपल के 37 सीट्स हैं, वाइस प्रिंसिपल के 19 सीट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश के 19, हिंदी के 19 और फिजिक्स के 21, केमिस्ट्री के 16, मैथ्स के 16, बायोलॉजी के 16, आईटी के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश के 67, हिंदी के 63, मैथ्स के 63, साइंस के 63, सोशल स्टडीज़ में 63 सीट्स हैं। नेक्स्ट गुजरात में प्रिंसिपल के 17, वाइस प्रिंसिपल के 2 और पीजीटी में देख सकते हैं मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 4-4 सीट हैं, बायोलॉजी में 4 है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स में 2 हैं, टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, इन सब में आप देख सकते हैं कि कितने सीट्स हैं। हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 8, आप अपना देख सकते हैं। झारखंड में टोटल 208 सीट हैं, जिसमें प्रिंसिपल के 8, वाइस प्रिंसिपल के 8 और पीजीटी में सभी सब्जेक्ट के 12-12 सीट हैं और टीजीटी में भी सभी सब्जेक्ट में 12-12 सीट हैं। जम्मू कश्मीर में टोटल 14 सीट्स सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हैं, तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के 32, वाइस प्रिंसिपल के 32 और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भी आप देख सकते हैं सबसे अधिक सीट जो है वो मध्य प्रदेश में ही है, क्योंकि टीजीटी में भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट देख सकते हैं आप लोग और सभी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज पोस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है मणिपुर, मणिपुर में टोटल सीट्स आप देख सकते हैं। मिजोरम में भी आप देख सकते हैं, देख लीजिए वाइस प्रिंसिपल के 3, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में फिजिक्स और मैथ में 1-1 है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश हिंदी में है सिर्फ। नेक्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा में भी आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के 15, वाइस प्रिंसिपल के 11, पीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आईटी का सिर्फ है, टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ का है। राजस्थान में आप देख सकते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के सीट आप देख सकते हैं। सिक्किम में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के 2-2 सीट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के भी आप देख सकते हैं। तेलंगाना
में प्रिंसिपल के 11, वाइस प्रिंसिपल के 6, पीजीटी में सब सब्जेक्ट में 7-7 है, टीजीटी का भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा, त्रिपुरा में वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के सीट्स आप देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में कितने कितने सीट है आप ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड। इस प्रकार मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज सीट्स के बारे में जानकारी दे दिया हूँ। वैकेंसी के लिए एज की जो गणना की जाएगी 30 अप्रैल 2021 के आधार पर की जाएगी, जिसमें आप यदि प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी उम्र 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं पर वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो 45 ईयर्स है। पीजीटी की बात करें तो 40 ईयर्स है। नेक्स्ट यदि टीजीटी की बात करेंगे तो 35 ईयर्स है। अब मैं आप लोगों को पोस्ट डिटेल एंड लेवल ऑफ पे बताने जा रहा हूँ, अर्थात आप लोगों की यदि एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल में जॉब लग जाती है, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो यदि आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किए हैं और आप एग्ज़ाम में सक्सेस हो जाते हैं, आपकी जॉब लग जाती है, तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग जो होगी वो 78,800 से 2,09,200 के बीच में होगी। वहीं पर वाइस प्रिंसिपल का स्टार्टिंग पेमेंट 56,100 से होगा 1,77,500 के बीच। पीजीटी की बात करेंगे तो 47,600 से स्टार्टिंग होगा और टीजीटी का 44,900 से स्टार्टिंग होगा। नेक्स्ट आते हैं फी डिटेल में। यदि आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एग्जामिनेशन फ़ी के रूप में 2,000 रुपये देने होंगे। साथ ही साथ यदि आप पीजीटी और टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 1,500 रुपया ऑनलाइन आवेदन के समय देने होंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आप एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में शिक्षक के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 है। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म फी जमा करने की तिथि 1 अप्रैल 2021 से 1 मई 2021 तक है। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सभी सब्जेक्ट के सिलेबस का फुल डिटेल लेकर आऊँगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे।